एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था फ्लो चार्ट ऑफ एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल, कि ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रक्ट किया जाता है, उनके क्या क्या मेथड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। तो पहले क्या है कि इस ओर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इसकी इम्प्योरिटी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम वही स्टडी करेंगे कि कैसे ओर को इम्प्योरिटी से फ्री किया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है इनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजली कंटामिनेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सोयल, सैंड, रॉक, स्टोन एटसेट्रा। दिस इम्प्योरिटी आर गैंग। देखो, जो ओर होते हैं, ओर हमें पता है कि अर्थकर्ष से हमें मिलते हैं, तो उस ओर में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उस इम्प्योरिटी को बोला जाता है गैंग। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैंग क्या होता है, गैंग क्या है, इम्प्योरिटी है जो ओर में प्रेजेंट होती है। रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ ओर। और इस गैंग या इम्प्योरिटी को ओर से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, इनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है, ठीक है। देखो, जो गैंग है ओर में, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको जो जब रिमूव किया जाता है ओर में से, तो वो डिपेंड करता है इनके डिफरेंस, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है गैंग और ओर का, ठीक है। द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर, ठीक है। तो देखो, जो मेथड होते हैं इसकी सेपरेशन के, कि गैंग को कैसे सेपरेट किया जाता है ओर में से, तो मैं आज की वीडियो में आपको चार मेन इसके मेथड बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका फर्स्ट मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन। ग्रेविटी या हाइड्रोलिक सेपरेशन, इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, भी किस प्रिंसिपल पे ये जो मेथड है वो काम करता है। इसमें जो ओर और इम्प्योरिटी है उनकी जो डेंसिटी है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। डेंसिटी का मीनिंग क्या है, कि चाहे तो ओर ज़्यादा भारी हो या इम्प्योरिटी हल्की हो, या इम्प्योरिटी भारी हो और हल्का, भी दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों में से एक भारी होना चाहिए, एक हल्का होना चाहिए, ठीक है। तो इस जो ये हाइड्रोलिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, इसको कैसे किया जाता है, इसमें होता है एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे क्या होते, ग्रेव्स बने होते। ग्रेव्स क्या होते हैं, गड्ढे, ठीक है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे ग्रेव्स बने हैं जो क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। तो यहाँ हमें लेना है ओर और इम्प्योरिटी, क्योंकि ओर के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो ये मेथड है, वो काम करता है ऐसे ओर को प्योरीफाई करने के लिए, भी ऐसे ओर में से जो इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, कि जब ओर में क्या हो, डिफरेंस हो इम्प्योरिटी का, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, सॉरी, उसका डेंसिटी का। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे मान लो हमने ओर और इम्प्योरिटी है, ठीक है, ओर और इम्प्योरिटी लिया। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, पाइप के साथ पानी को यहाँ पे फ्लो करवाया जाता है तेज प्रेशर के साथ। तो जब हम पानी के साथ यहाँ से फ्लो करवाएंगे, मान लो कि जो ओर है वो ज़्यादा भारी है, ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ओर की, और जो इम्प्योरिटी है इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, मतलब ये हल्की है। तो यहाँ पे क्या है, जो ओर है वो भारी है, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी और ओर लिए हैं। तो जैसे हम पानी का प्रेशर इसके ऊपर डालेंगे, तो जो ये भारी चीज़ है वो ग्रेव्स, ये गड्ढे बने हैं, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। बट जो इम्प्योरिटी है हल्की, हमें पता भी हल्की चीज़ तो आसानी से बह जाती है, तो जो हल्की होगी वो पानी के साथ नीचे आ जाएगी और यहाँ पे कलेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मिली है, इम्प्योरिटी, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि हमने देखा कि इम्प्योरिटी हल्की है। तो क्या हुआ है, इम्प्योरिटी और ओर दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट लें, जैसे कि ओर क्या है, हल्का है, इम्प्योरिटी भारी है, तो क्या होगी, इम्प्योरिटी यहाँ पे इन ग्रेव्स में मिलेगी है और जो ओर है वो भाव के साथ नीचे आएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ओर और इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है, ठीक है। तो जो इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड मेथड में हम स्टडी करेंगे इसके मैग्नेटिक सेपरेशन है जो मेथड, इसको इसमें क्या होता है, इस मेथड का यूज़ किया जाता है ऐसे ओर को इम्प्योरिटी से फ्री करने के लिए जो मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आयरन के ही ओर लगा लें, क्योंकि आयरन मेटल क्या होती है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है आयरन में। तो इस मेथड को करने के लिए क्या होता है, एक तो रोलिंग व्हील है, जैसे ये मैग्नेटिक रोलिंग व्हील है यहाँ पे, और ये बेल्ट लगी हुई है, ठीक है। ये क्या लगी हुई है, बेल्ट लगी हुई है। जैसे कि ऊपर से हम यहाँ से, हमने क्या लगाया, मान लो यहाँ पे एक ऐसा
पाइप लगाया है, जिसके थ्रू पाइप लगा लो, या कुछ हमने ऐसी अरेंजमेंट की है ऊपर कि और इम्प्योरिटी को जैसे हम यहाँ पे इस बेल्ट के ऊपर डालेंगे, तो ये बेल्ट क्या, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये व्हील है ये रोटेट करेंगे, तो ये बेल्ट इस व्हील के ऊपर से रोटेट करेगी, और इम्प्योरिटी को हम यहाँ से डालेंगे तो ये इस बेल्ट से यहाँ आएगी, बट जो ये व्हील है यहाँ पे ये बने हुए हैं मैग्नेट के, तो इम्प्योरिटी में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो जैसे कि हमने आयरन का ओर लिया है, तो आयरन का जो ओर है वो तो इससे चिपक जाएंगे, ठीक है, बट जो इम्प्योरिटी है वो इस व्हील से नहीं चिपकेगी, क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होता, तो जो इम्प्योरिटी वो वहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगी, जिसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, बट ये जो ओर है वो इस व्हील से चिपका रहेगा, बट यहाँ तक ही हमारा व्हील है, आगे तो क्या आई है, बेल्ट आई है, तो ये यहाँ से नीचे गिरेंगे, क्योंकि आगे तो इसको मैग्नेट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक व्हील तो यहीं तक था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ओर को कलेक्ट कर लेंगे। देखो इस तरीके से क्या किया जाता है, अभी ऐसे ओर को सेपरेट किया जाता है जिनमें मैग्नेटिक नेचर होता है, जैसे आयरन का ओर है, तो यहाँ से क्या हुआ है, इस व्हील पे आयरन चिपका है बट इम्प्योरिटी नहीं चिपकी, तो उसको अलग से कलेक्ट किया जाता है, और जो यहाँ पे हमने प्लेट लगाई है या कुछ और, यहाँ पे आप बिकर भी रख सकते हो, तो जो बाउल यहाँ पे रखोगे वहां पे क्या कलेक्ट होगा, मैग्नेटिक नेचर का और मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड जो थर्ड है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, फोर्थ का मतलब होता है झाग बनना, फोर्थ फ्लोटेशन में क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है भी सल्फाइड ओर को इम्प्योरिटी से क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए, मतलब जो सल्फाइड ओर है ना उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बीकर है, उसमें क्या लिया है, ऑयल और वाटर लिया है हमने, ठीक है, बीकर में क्या लिया है, ऑयल और वाटर, हमें पता है कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर तैरता है क्योंकि ये हल्का होता है इससे, तो इसमें हमें लेना है कि जैसे जो हम और लेते हैं, और में इम्प्योरिटी भी होती है और प्लस इम्प्योरिटी है, तो इन दोनों में क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक नेचर का हो और एक हाइड्रोफिलिक नेचर का हो, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डरना, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर से दूर जाए, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर के साथ अटैच हो, मतलब जो और इम्प्योरिटी है वो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक नेचर की होनी चाहिए, इसका मेन प्रिंसिपल ये है, ठीक है। मान लो कि हमने जो और लिया है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक नेचर का, तो इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर इसमें क्या हमें पता नहीं होता कि हमने जो सल्फाइड ओर लिए हैं कि ठीक है सल्फाइड ओर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस मेथड से, तो जो ओर होगा वो क्या है, अगर हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो वो ऑयल के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो वो वाटर के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो ऑयल ओर का नेचर कैसा, हाइड्रोफोबिक है तो ये ऑयल के साथ लगेगा, और जो वाटर इम्प्योरिटी है वो हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर के साथ चिपकेगी, ठीक है। इसमें हमने और क्या किया, इसको मैं अलग से आपको करवाऊँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में लिया है हमने वाटर प्लस ऑयल, ठीक है, और इस बीकर में हम डालेंगे और इम्प्योरिटी, क्योंकि और के साथ इम्प्योरिटी रहती ही है, तो मैंने क्या बताया कि जो और है और कैसे नेचर के, हाइड्रोफोबिक के हैं, तो ये और इस ऑयल के साथ चिपकेगा, ठीक है, वाटर के साथ नहीं रहेगा, और इम्प्योरिटी किसके साथ आएगी, वाटर के साथ आएगी, तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटी है वो तो वाटर के साथ लगी है, तो ऑयल तो वाटर के ऊपर रहता है, तो और इसके ऊपर रहेंगे, फिर क्या करना है हमने, जैसे कि क्या होता है, जो दूध होता है, दूध से दही बनती है, तो वो भी क्या होती है, ऐसे रोटेशन की वजह से होती है, जैसे कि रई को उसमें लगाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंप्रेस्ड एयर को पास करेंगे, और ऐसे होगा, इसको क्या करेंगे, जैसे घुमा जाएगा यहाँ से, जो हमने यहाँ पे ये अरेंजमेंट की है, तो यहाँ पे झाग बनने स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर, ठीक है, जैसे दूध से दही बनती है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे झाग बनने स्टार्ट होंगे, तो ये जो ये झाग हैं, ये झाग किसके हुए हैं, ऑयल और ओर के हुए हैं, तो इनको यहाँ से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, तो इस ये क्या होती है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो यहाँ पे है कि फोर्थ ऑयल प्लस ओर, हमने क्या डाला इसमें, ऑयल और इम्प्योरिटी डाली, इम्प्योरिटी तो इसके नीचे बैठ जाएगी क्योंकि ये वाटर के साथ अटैच है, तो ऑयल वाटर के ऊपर रहता तो उसके साथ है ओर, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को पास करवाएंगे और इसको घुमाएंगे, तो यहाँ पे झाग बनेंगे, तो ये झाग किसके होंगे, ऑयल और ओर के होंगे, ठीक है। तो इस मेथड सल्फाइड और
जो जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड के ओर है उनको क्या करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, जो लास्ट मेथड है वो मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड या जिसको हम लीचिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऐसा सोलवेंट लिया जाता है जिसमें जो ओर है वो तो सोल्यूबल होते हैं बट जो इम्प्योरिटी है वो सोल्यूबल नहीं होती है। ठीक है, तो देखो जैसे सोलवेंट की जगह हम एसिडिक बेस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बीकर में हमने एसिड लिया है, ये सोलवेंट है तो इसमें हम ओर और इम्प्योरिटी को डालेंगे। तो जैसे इस सॉल्वेंट में और इंप्योरिटी को ऐड किया जाएगा, और तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन इंप्योरिटी नहीं होगी तो वो इसके तले में बैठ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर और तो इसमें घुल गया और इंप्योरिटी इसमें बैठी है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, जैसे हम छलनी से करते हैं। तो छलनी के ऊपर क्या होगी, जो इंप्योरिटी ये इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन जो बीकर में सॉल्यूशन होगा वो और का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम इंप्योरिटी और को अलग कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो देखो क्या किया, इसमें और इंप्योरिटी डाली, इंप्योरिटी डू नॉट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो ये इसके इसमें होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इस इंप्योरिटी को रिमूव करेंगे किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया, तो जो ये यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिया था, सोलवेंट के अंदर और इम्प्योरिटी का जो सोल्यूशन तैयार हुआ था उसको हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, और भी है और इम्प्योरिटी भी है और सोलवेंट भी था। ठीक है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद क्या होगा, इंप्योरिटी तो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी और नीचे जो सॉल्यूशन आएगा छानने के बाद, ये सेम ऐसा प्रोसेस जैसे हम चाय को छानते हैं, मतलब ये कि छलनी में जो चाय पत्ती होती है वो इंप्योरिटी का काम कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, और जो चाय हमें कप के अंदर चाय छानी है वो किसका का? वो है एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन नीचे आया है तो ये सॉल्यूशन किसका होगा, और का सॉल्यूशन होगा। तो इस मेथड से और इंप्योरिटी को अलग किया जाता है। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये मेथड बहुत बार पूछे जाते हैं। हमने चार मेथड स्टडी किए हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, देखो चार मेथड कौन कौन से हमने स्टडी किए हैं आज इस वीडियो में। फर्स्ट मेथड था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या जिसको हम हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक का मीनिंग होता है वाटर की ऐसे इंक्लाइंड प्लेन लेना है, उसके ऊपर जिसपे गड्ढे बने हैं हम क्या करेंगे, और इम्प्योरिटी को डालेंगे। अगर इसमें से जो भारी होगा वो इन गड्ढों में अटकेगा और जो हल्का होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, सेकेंड मैथड क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड था। मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड में क्या किया जाता है, ऐसे ओर को और से इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है जिसका मैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, और थर्ड हमने स्टडी किया फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या, मेनली जो सल्फाइड ओर है उनका उनको कंसंट्रेट किया जाता है। और जो हमारा फोर्थ लास्ट मेथड था वो है केमिकल मेथड। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।